बात करेंगे करेला के बारे में, जो बहुत लोगों को नहीं पसंद होता। इवन नाम सुन के भी आप लोग बहुत कि अरे ये क्या खाने को बोल दिया। सो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको एक प्रॉपर तरीके से कुक करोगे तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को शुगर का इशू है वो वीकली एक बार इसको लें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आराम से आप इसको ले सकते हो। बनाने का तरीका ध्यान रखोगे तो आपको ये अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो ऑफकोर्स आप लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, फैट बर्नर है। फैट बर्नर कैसे है ये, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ये हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है और बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल करता है। तो अगर वो हमारे जो है दोनों कंट्रोल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बॉडी में फैट ही नहीं बनेगा। अगर आपके इंसुलिन लेवल बैलेंस है, आपके ब्लड शुगर लेवल बैलेंस है, तो आपका जो फैट है वो नहीं बनेगा और फैट को कट भी करेगा ये। अगर आप इस फैट आपकी बॉडी में है तो अगर आप करेला ले रहे हो, करेला ज़रूरी नहीं है आप जूस की फॉर्म में ही लो, आप सैलड बना के ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को जूस नहीं समझ आता, इसका बहुत टेस्टी नहीं होता। तो आप इसका सैलड बना के ले सकते हो। सैलड की रेसिपी हम पूरी देखेंगे बाद में। सेकेंड थिंग, करेला की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीन वेजिटेबल है। ग्रीन वेजिटेबल हमेशा हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी होती हैं वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, अगर हम वेट लॉस पे हों या ना हों। अगर आप वेट लॉस पे नहीं भी हो, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब करेला के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्यू कैलरीज होती हैं, साथ के साथ फ्यू कार्ब्स होते हैं। तो ना तो इसमें कैलरीज ज़्यादा है ना कार्ब्स ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आपके वेट लॉस में ये हेल्प करेगा ही करेगा। अब है कि इसके अंदर फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में होता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइबर। तो अगर आप इसको लोगे तो आपको बहुत देर तक नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मील्स में फाइबर होगा और साथ साथ प्रोटीन होगा, दोनों चीज़ें होंगी, तो आपको कम भूख लगेगी और बहुत देर तक आप फुल फील करोगे। इस वेजिटेबल के अंदर बहुत अच्छा वाटर कंटेंट है, तो इसीलिए आपकी डाइट में ये होना बहुत अच्छा है। अगर किसी भी वेजिटेबल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है। तो इट्स रियली हेल्दी वेजिटेबल टू इंक्लूड योर डाइट। सो ओके, अब हम ये वीडियो देखते हैं एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि आप लोग नहीं बताते हो कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आप आगे किस तरीके के वीडियो पसंद करोगे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, आगे कौन सी रेसिपी चाहिए, या फिर आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में वाटर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है एंड चॉप्ड करेला उसको ऐड करेंगे। 4 to 5 करेलाज हैं ये, छिलका निकाल के फिर इसको कट करके ऐड करना है एंड इसको सोक करना है फॉर 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद एक पैन में ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे हम, एंड देन करेला ऐड करेंगे। इसको आपको अच्छे से क्रिस्पी करना है, लाइक एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो आपको बार बार इसको देखते रहना है कि ये जल नहीं जाए, एंड ये इस तरीके का हो जाएगा थोड़ी देर बाद बिल्कुल क्रिस्पी। तब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये डाइजेशन के लिए बहुत बहुत बेस्ट है, तो आप इसको अपनी मील्स में ज़रूर ऐड करें। इसके बाद लेमन जूस, थोड़ा सा ऑरेगानो पाउडर, एंड दिस इज रेडी। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।